श्री गणेशाय नमः, वेद पुरुषाय नमः, वासुदेवाय नमः, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वे महाभारत के अंदर उग्र शर्मा जी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने 3 बार कहा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में से जनमय जी ने कहा, अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, यह यज्ञ समाप्त करो। आस्तिक प्रसन्न हो, हमारे सुत ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जनमय जी के मुंह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे, सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ऋत्वि और सदस्य को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहाँ आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सुत ने यह यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञ का अनुभव अब भूत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया। जाते समय जन्मय जी ने कहा, आप मेरे अश्वमेघ यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारेंगा? आस्तिक ने कहा प्रशंसा से, तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरुकारु को आदि से सब समाचार कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न हैं, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करे। आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से यह वर मांगता हूँ कि जो कोई सायकाल और प्रातकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय न हो। यह बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रियवर तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोज पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित अतिमान और सुनित मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उससे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र क्रम से यो झरकारोणा जातो झरकारी महायशा आस्तिक सर्पसत्रे व पन्नागन युडसरमस्त तम समर्थम महाभागा न मा सिंह तुमस्त। झरकारु ऋषि से झरकारु नामक नाग कन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्पयज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों में उनका स्मरण कर रहा हो, तुम लोग मुझे मत डसो। ये महाविषधर सर्प तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। जन्मय जी के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। आस्तिक कस्य वच श्रुत्वा य सर्पो न निर्वतते सतधा भीतते मुग्निम शिशवृत्तक्ष फलम यथा। जो सर्प आस्तिक के वचन की
शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसका फल फन सिसम के फल के समान सेकंडों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शरीर का प्रारंभ पूरा होने पर पुत्र पुत्रादि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। और आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।